नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। जल्दी से आ जाइए। चलिए, सभी आ गए हैं। तो नमस्कार गाइस, विद्यार्थियों, स्वागत है आज का मध्य प्रदेश की चित्रकला। और शिल्पकला आज एमपीपीएससी का हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सॉरी, मध्य प्रदेश की चित्रकला व शिल्पकला का ये आज से हमारा पहला आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। आप सभी मेरे साथ पहली आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है आप सभी पढ़ने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर की क्लास फर्स्ट है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश का चित्रकला और शिल्पकला आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए गाइस, हम आज इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरी क्लासेस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम रूप सर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं पढ़ाता हूँ। इसके साथ ही आप सभी के लिए अनकेडमी मेंस 2021 का नया बैच 14 नवंबर 2022 से शुरू किया है। इसके साथ ही आप सभी के लिए 17 नवंबर 2022 से आपका अनकेडमी प्लस एक और नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड रूप सर डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एमपी पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं और व्यापम के अन्य एग्जाम के लिए, तो आप सभी के लिए जो पटवारी का न्यू बैचेस हैं अनकेडमी पर शुरू हो चुका है। ये बैचेस एमपी पीईवी और व्यापम कैटेगरी जो अनकेडमी की है उस पर ये बैच लाइव रहेगा, तो आप ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड रूप सर डालकर ज्वाइन करना होगा अनकेडमी प्लस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, वन विभाग की नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के पद हैं। दूसरा, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की भी भर्ती आई है। इसमें 11 मई को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, बस आपको इसमें क्या है, 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। जैसे पटवारी के एग्जाम में 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वहीं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी, इसमें आप 8 सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, जीएस, गणित, रीजनिंग और प्रबंधन, ये 8 सब्जेक्ट आप पटवारी में तैयार करते हो। लेकिन अगर हम वन रक्षक में बात करें तो साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, जीके और सिर्फ गणित, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको अलग से इसकी तैयारी नहीं करना, एक ही सिलेबस में आप ये भी पढ़ सकते हो, फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हो, जेल पैरी की भी तैयारी कर सकते हो। मतलब आप सभी को जो है अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, आप एक ही बैचेस में ये सभी जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो अगर आप सभी ने इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही मेरे साथ ये बैचेस ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों, आप सभी के लिए पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज जो है आज से मैं आपको लॉन्च जो है आपकी 1 दिसंबर से लॉन्च की जाएगी, जिसमें आप सभी के लिए प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। मतलब जैसे आपके हिंदी के पेपर अलग रहेंगे, अंग्रेजी के, तो आप और फिर मिक्स पेपर भी आप मेरे साथ दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की शिल्पकला, हम पहले पढ़ेंगे फिर चित्रकला।
ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रखना, अच्छे से याद करना। आज से आर्ट एंड कल्चर शुरू हो गया आपका, मध्य प्रदेश की शिल्प कला। बेटा मैंने आपको पूरे एमपी के टॉपिक्स जो हैं सारे टॉपिक मैं आपको इसमें कराऊंगा, तो आप अच्छे से समझते चलना, ठीक है बेटा। इतना डीप मैं आप सभी को पढ़ा के आया हूँ अभी तक, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में नहीं होता है। लेकिन अपन को एमपी जो है डीप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप व्यापम की बहुत सारी एग्जाम में एमपी जी की जो है डीप पूछी जाती है। तो आप सभी जो है मध्य प्रदेश जब भी जी की तैयार करें तो डीप पढ़ के आना। चलिए ठीक है बेटा, आने पटवारी वाले बैचेस में रहेगा आपके लिए टेस्ट, आपको कहीं नहीं जाना। आप पटवारी बैच ज्वाइन कर लिए हो, आपको उसी में पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए खराद शिल्प, खराद शिल्प कहाँ पर है? मुरैना, शिवपुर और रीवा में। खराद शिल्प जो है मध्य प्रदेश में कहाँ बनती है? तो इन तीन जगह पर। ग्वालियर में। ग्वालियर क्यों फेमस है? ये गुड़िया शिल्प के लिए जाना जाता है। लकड़ी की सहायता से बनने वाली गुड़ियाँ जो हैं काफ़ी फेमस रहती हैं और काफ़ी पूछी जाती हैं। फिर पीतल की शिल्प, पीतल शिल्प के अंतर्गत हम बर्तन बनाते हैं। तो टीकमगढ़ और दमोह की पीतल शिल्प को हमने जीआई टैग दिया है, यानी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट के दमोह के बर्तन और पीतल के बर्तन जो हैं टीकमगढ़ के, इनको हमने जीआई टैग मिल चुका है। वहीं नरसिंहपुर का चिचली किस प्रकार प्रसिद्ध? नरसिंहपुर के चिचली जो है पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। फिर उछहरा, उछेरा पड़ता है सतना में, तो उछेरा सतना का भी जो है चित्रकला के लिए फेमस है। कहोगे उचहेरा कहाँ पर है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है जो चित्रकला के लिए फेमस है। फिर रीवा की अगर बात कर लें, मध्य प्रदेश का जिला है रीवा, यहाँ पर बनाई जाती है सुपारी चित्रकला। तो क्वेश्चन आता है कहाँ पर जो है सुपारी की चित्रकला फेमस है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो है सुपारी कला के लिए जानी जाता है। फिर मंडला और मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला, ये जो दोनों जिले हैं टेरी कोटा शिल्प के लिए जाने जाते हैं। किस लिए फेमस है ये मध्य प्रदेश में? टेरी कोटा ही शिल्प कहाँ बनती है? तो यहाँ पे, यहाँ हमारी बांस शिल्प, बांस के जो बर्तन हैं, जो सामान है, टोकरी, बांसुरी, ये बांस मंडला, झाबुआ और बालाघाट विशेषता, वहाँ ये आप जो है बांस की चित्रकला काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भरेवा शिल्प कहाँ पर फेमस है? तो मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें काफ़ी पहचान रखता है, काफ़ी जाना जाता है। अब आ जाओ खिलौना शिल्प, खिलौना, तो खिलौने के लिए कौन कौन सी जगह हैं? तो सुनो, बुधनी में लकड़ी के खिलौने किसके बनेंगे? लकड़ी के खिलौने। इंदौर में चमड़े के,
इंदौर में चमड़ी के खिलौने, ठीक है, रीवा में सुपारी के खिलौने बनते हैं। कहाँ रखोगे? रीवा में सुपारी खिलौने बनते हैं। खिलौना बैंक कहाँ पर है? कोई पूछे बताइए मध्य प्रदेश में खिलौना बैंक कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। और बुधनी में खिलौना संग्रहालय कहाँ है? तो बुधनी में है, ठीक है। फिर इंदौर और बुधनी में खिलौना क्लस्टर भी है। इंदौर और बुधनी में क्या रहोगे? पहला खिलौना क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाया गया? तो पहला क्लस्टर जो है इंदौर में बनाया गया था। कहाँ पर रहोगे प्यारे विद्यार्थी? इंदौर। और दूसरा कहाँ बनेगा? बुधनी में बनेगा, ठीक है। चलिए, आप सभी जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हैंड रिटन मैप बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो अगर आपको हैंड रिटन मैप बनाने में तकलीफ होती हो, नहीं बना पाते हो, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दिया करूँगा, ठीक है। जो हैंड रिटन बना रहा हूँ मैं, पर डे जितनी भी क्लासेस लूँगा, रात्रि में पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। सही है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपके जो है रिवीजन कर पाओ। कितने व्यक्ति इस बात से सहमत है कि जितनी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, उनकी पीडीएफ बना के मैं डाल दिया करूँ, जिससे आप रिवीजन कर पाए? चलिए ठीक है, ओके। तो अपना आठ जितने भी टॉपिक मैं ले रहा हूँ, उन सभी की पीडीएफ फाइलें आपको मिल जाएंगी। प्रस्तर शिल्प कहाँ बनती है? पत्थरों पर चित्रकला शिल्प बनाई जाती, पत्थरों की शिल्प, मंदसौर और रतलाम। क्या हो गए? मंदसौर और रतलाम में प्रस्तर शिल्प के लिए फेमस है। कंघी शिल्प के लिए कौन जाना जाता है? बंजारा जनजाति। तो किस शेड्यूल ट्राइब ने इसको आविष्कार किया था? बंजारा शेड्यूल ट्राइब ने। किसने? बंजारा शेड्यूल ट्राइब ने जो है इसका स्टार्ट की थी। फिर आता है कास्ट कला। कास्ट कला का मतलब होता है लकड़ी की कला। तो कास्ट कला के लिए कौन फेमस है? मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, शिवपुर। और यहाँ कास्ट कला मेनली कौन सी शेड्यूल ट्राइब बनाती है? भील। और शिवपुर में कौन सी बनाएगी? सहरिया जनजाति। शिवपुर में कौन बनाएगी? सहरिया जनजाति जो है शिवपुर में बनाएगी। छिंदवाड़ा में क्या रहोगे? बिल्हावा कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? बिल्हावा कारखाना कहाँ पे? तो ये अपना छिंदवाड़ा में है। जबकि उमरिया जिले में क्या रखोगे? मध्य प्रदेश की उमरिया में क्या है? तो लाख का कारखाना है। लाख का कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है लाख का कारखाना स्थित है। अब क्वेश्चन आता है, चंदेरी क्यों फेमस है? चंदेरी साड़ी, इसे जीआई टैग मिला है 2005 में। सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो सबसे पहले जीआई टैग चंदेरी को मिला है, ठीक है। अब आ जाओ महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। फिर आ जाओ धार में बाघ शिल्प। कौन सा बाघ शिल्प कहाँ से फेमस है? तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में जो है बाघ शिल्प के लिए जाना जाता है। उज्जैन, भीरुगढ़ शिल्प, यहाँ पर बेटा छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन का भीरुगढ़ क्यों फेमस है? तो उज्जैन का भीरुगढ़ जो है
छीपा सिल्क, कपड़े पर जो है शिल्पकला जो है इसमें बनाई जाती है। ठीक है, किस पर होगे? कपड़े पर। तो ये जो शिल्प का क्षेत्र कहाँ पर है, तो एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, भीरुगढ़ शिल्प। बेटा आप एमपी जीके के एमसीक्यूज लगाना चाह रहे हो, आप बेटा मेरी स्पेशल क्लास में जाइए अनअकैडमी प्लस पर। स्पेशल क्लास में बेटा इतने सारे एमसीक्यूज दिए हैं कि आपका सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और अगर आपको एमसीक्यूज डाउनलोड करने हैं, मान लीजिए, तो मेरे लर्नर ऐप पर मध्य प्रदेश एमसीक्यूज की एक वो डला है बैच, मतलब एमसीक्यूज, जिसमें वाला लगभग 6,000 एमसीक्यूज हैं। आप वहाँ से एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हो, अपने जो भी एमसीक्यूज आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप एमसीक्यूज डाउनलोड करिए और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए। तो वहाँ बेटा बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं लर्नर ऐप पर, लगभग 6,000 एमसीक्यूज, उसमें करंट अफेयर के भी एमसीक्यू। और अगर जो मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लास में एमसीक्यूज करवाता हूँ, तो आप मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में जाइए। कल से मैं जो है आप सभी के लिए पीडीएफ लगा दूंगा, कैसे कहाँ पर एमसीक्यूज मिलते हैं। आज तो मैंने नहीं लगाया वो एड वाला, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आई, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मेरी प्रोफाइल अपनी आईडी बनाओ, जीमेल आईडी से अपनी आईडी बना लीजिए, फिर मेरे को सर्च करना रूप सर, फिर मेरा जब रूप सिंह यादव प्रोफाइल सर्च कर लोगे तो वहाँ पर आपको एमपी के इतने सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे। ठीक है, और अगर आपको हार्ड, जो हार्ड कॉपी में अगर एमसीक्यू चाहिए, प्रिंट आउट निकाल कर जो क्वेश्चन उसका एमसीक्यू उत्तर सहित व्याख्या हो, तो आप लर्नर ऐप पर जाइए, वहाँ से आप एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों में 1 तारीख से आप सभी के लिए, आप जो पटवारी पढ़ रहे हो, पटवारी के लिए भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सारे बेटे टॉपिक आपको मिल जाएगा सिर्फ इथिक्स छोड़कर। ठीक है, आप सभी जो इथिक्स के नहीं होंगे टॉपिक, वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको वहाँ पर दिया हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए, तो जो भी देखो, अभी पटवारी की वैकेंसी आ गई, जेल पैरी की वैकेंसी आ गई, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई, आबकारी, तो आप एक ही बैच पढ़िए, एक ही जब पटवारी का बैच लोगे ना, तो सारी चीज़ें वहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है कि भाई कल फॉरेस्ट गार्ड का है, फॉरेस्ट गार्ड की मैं अलग क्लास ज्वाइन करूँगा, जेल पैरी आया, ऐसा ना करो, एक पढ़ो। ठीक है, वो बेटा मैंने उसमें ड्यूरेशन आप सभी के लिए 6 महीने की, जो 1 साल की दी रखी है पटवारी बैच में। अब 1 साल तक जितनी भी बैच वैकेंसी आएंगी, चाहे आपको करंट अफेयर की तैयारी, सब बेटा एक ही बैच में मिल जाएगा। मतलब आपको जैसे मेरी पीएससी, आप सभी पढ़ते हो ना पीएससी में, ठीक है, तो पीएससी में मैं क्या कराता हूँ, पूरा एक जगह कंबाइंड, पूरी जीएस एक जगह रहती है। लेकिन बेटा एमपीपीएससी में मैथ नहीं आता ज़्यादा, रीजनिंग नहीं आती ज़्यादा, इंग्लिश नहीं पूछा जाता। अब प्रबंधन आप एमपीपीएससी में कैटेगरी वर्ब लेते हो तो वो चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, व्यापम की। लेकिन पीएससी का प्री प्लस मेंस का एक जगह सभी चीज़ें उपलब्ध, कंटेंट आपको मिल ही जाता है, वीडियो क्लास आप देख ही सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, जब आपकी इच्छा हो जब क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर पीएससी के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और तो आप पीएससी क्लासेस को मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल कोड रूप लाइव डाल के। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है बेटा 7 और 9 PM पर, सही है। ठीक है, चलिए बेटा अपने करंट कोर्स बता दीजिए जो भी चले। बेटा अभी तो हिस्ट्री चल रही है, जो कि 5 दिन में कंप्लीट होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, और मिडाइवल का 11 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश जीके का बैच आने वाला है अनअकैडमी पर, ठीक है, जो कि लगभग 2 महीने चलेगा, जनवरी पूरा चलेगा आपका और दिसंबर पूरा चलेगा। ठीक है, चलिए, तो महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, फिर भरेवा शिल्प कहाँ पर है, कोई पूछे, बैतूल में है भरेवा शिल्प। यहाँ पे क्या विद्यार्थियों, बर्तन बनाए जाते हैं, जो भरेवा शिल्प है क्यों फेमस है, तो यहाँ बर्तन जो है बनाते हैं। महेश्वरी साड़ी कब को जीआई टैग कब मिला था, 2012 को ये जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुड़िया। अब देखो गुड़िया 2 जगह बनेगी, झाबुआ अलीराजपुर में भीली गुड़िया क्वेश्चन है कि
बताइए मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे भीली गुड़िया बनाई जाती है? तो भीली गुड़िया झाबुआ अलीराजपुर में, और लकड़ी की सहायता से लकड़ी घास फूस की जो है गुड़िया कहाँ फेमस है? तो वो फेमस है अपनी ग्वालियर की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में आप फंसना नहीं। अब आ जाओ कि बताओ लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो लकड़ी के खिलौने बुधनी में, प्लास्टिक के खिलौने कहाँ बनते हैं? इंदौर में। फिर क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का कि बताइए सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो सुपारी के खिलौने कहाँ बनेंगे? रीवा में। तो बालकों बनने देखो, ये पूरी डायग्राम आपको अच्छे से याद हुआ। चलिए विद्यार्थियों, आपको डायग्राम अच्छे से रट गया, कर लोगे क्वेश्चन? किस किस को याद हुआ है डायग्राम, जल्दी बताइए। कौन कौन बालक ने अच्छे से तैयार कर लिया है? चलें, चलिए अब हो जाए दूसरा टॉपिक। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है अपना। बेटे ऐसे पूरा आपको जीएस याद करना है मेरे साथ, मैप में बेटे मैं पूरा जीएस आपको रटा दूंगा मैपी मैप से। ठीक है, बस आपको इन मानचित्र अच्छे से बना लो, अगर आप नहीं बना पाते हो तो मैं आपको मानचित्र बने हुए दे दूंगा। ये मैपिंग अगर आप नहीं बना सक पाते हो तो मुझे बता देना, मेरे पास बने बनाए मैप रखे हैं अपने पुराने विद्यार्थियों के जो मुझसे पढ़ते थे, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाए उनने, तो आपको बहुत आसानी से याद कर पाओगे उन्हें। बेटा आपको सिलेक्टिव जीएस पढ़ना है। आप सभी को मैंने कल से प्रबंधन के नोट्स तैयार कराना शुरू कर दिए हैं। दूसरा चैप्टर दे दिया है मैंने प्रबंधन का, रोज एक चैप्टर आप प्रबंधन का करोगे। ठीक है, जब तक मेरा एमपी कंप्लीट नहीं हो जाता है, पटवारी वाले विद्यार्थियों सुन रहे हो, आप सभी पर डे एक एमपी का टॉपिक आप तैयार करोगे पटवारी के लिए। ठीक है, एक टॉपिक पर डे पटवारी का, प्रबंधन का पढ़ना है। याद तो मैं करा लूंगा, याद करने की तो मुझे जानते हो, मैं याद करा ही दूंगा आपको। आप एक टॉपिक रोज पढ़ना। ठीक है, एक टॉपिक रोज, मैं आपको रोज एक टॉपिक अपलोड करूंगा। ठीक, कल से मैं एक और चीज आप सभी के लिए, एमपी के एमसीक्यूज और हिंदी के एमसीक्यूज एक एक चैप्टर रोज दूंगा। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, ज्यादा के चक्कर में वो भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक एमसीक्यूज का एमपी का लगाना है और एक हिंदी का लगाना है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 20 में से 20 ला सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट जनवरी के महीने में साइंस के एमसीक्यूज पर मेहनत करेंगे। एक साइंस का एमसीक्यूज रोज लगाना है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले अपन शिल्प कला तक, अब देखो शिल्प कला कैसे पूछी जाती है, ये है मालवा रीजन, तो मालवा की चित्रकला। ये है बुंदेलखंड रीजन, तो बुंदेलखंड की चित्रकला। ये है बघेलखंड रीजन, तो बघेलखंड की चित्रकला। ये है आपका निमाड़ रीजन, तो निमाड़ की चित्रकला। अब आ जाओ नेक्स्ट, सबनाही चित्रकला। ठीक है, क्या होगी सबनाही चित्रकला? हर तालिका, सबनाही हर तालिका, बरसाती वार्ता। संज्ञा चित्र, क्या होगी संज्ञा चित्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ बनाते हैं? बेटे मैनेजमेंट के आप सभी जो है कुछ पेज तैयार करो, जैसे एक चैप्टर रोज रीड करो। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हो ना, आप सिर्फ वैसे रीड करिए। जब आप पढ़े उस चीज को रीड करोगे तो फिर क्या होगा, वो चीज आपको याद होने लगेगी, रटने लगेगी। ठीक है, जैसे मैं रोज एक ही चीज पढ़ूं तो मुझे याद हो जाती है, तो आप भी उसी प्रकार से रोज तैयार करोगे तो वो याद हो जाएगी। सबना ही हर तालिका,
बरसाती वार्ता बैठा लो, बोले पंडित जी को लेके आ जाओ। दिवासा, ठीक है, सबना ही हरतालिका, बरसाती वार्ता, संजा चित्र, फिर भीरू जी। भीरू जी का चित्र कहाँ बनता है? ये मालवा रीजन में बनता है। दिवासा किसकी चित्रकला है? तो ये भीलों की चित्रकला, जो जमीन पे बनती है। इसे अपन भित्ति चित्र भी कहते हैं। दीवार को जैसे रंगना हो, दीवार पे ड्राइंग बनाएंगे, तो ये दिवासा कहलाती है। फिर मोहज माता का चित्र किसका रहोगे? मोहज माता का चित्र कहाँ बनता है? तो ये भी अपना कहाँ बनेगा? मालवा रीजन बनाएंगे। कहाँ पर रहोगे? मोहज माता का चित्र कहाँ पर? मालवा में। अब सरवन, सरवन कौन था? जिसने अपने माता पिता को अपने जो है हाथों पर रखकर चारों धाम की यात्रा कराई थी, तो वो सरवन के चित्र बनाई जाती। सरवन के चित्र बनाकर उसकी कथा बताई जाती है। फिर माया माता, ये माया माता मोहज माता भीलों की चित्रकला है। भीलों की भीति चित्र जो है इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। फिर जन्माष्टमी, सबना ही, तो जन्माष्टमी जो है कहाँ बनती है? अब जन्माष्टमी में क्या, कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान की क्या चित्र बनाते हैं? देखो, कई लोग तो मार्केट से पन्ना खरीद लाते हैं, कई जो है चित्र भगवान का चित्र बनाकर 56 भोग लगाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है? जन्माष्टमी तो पूरे मध्य प्रदेश में बनती है, लेकिन क्या होता है किसी जगह जो है सबसे ज्यादा फेमस होती है, तो वो है कौन सा रीजन? मालवा रीजन। अब विद्यार्थियों, इसमें से कैसे याद करोगे? सबना ही एक क्वेश्चन करोगे? सबना ही एक, हर तालिका दो, और संजा तीन, दिवासा चार, ठीक है। ये चार क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब आपको एग्जाम में ये चार अच्छे से तैयार करने, मतलब ये चार तो आना ही है नाम, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? निमाड़ की चित्रकला। निमाड़ में अब पहले तो नाम नाम याद सीखो, तो सबसे पहले नाम सीखो, माड़ना कहाँ बनता है? माड़ना चित्रकला मालवा में भी है, और ये कहाँ पर? निमाड़, लेकिन फेमस कहाँ पर है? तो माड़ना है। वो फेमस कौन सी है? माड़ना। फिर जिरौती, ये अपन हरियाली अमावस्या पे बनाते हैं। थापा, थापा कहाँ बनती है? निमाड़ में। खोपड़ी पूजन, खोपड़ी पूजन। संजा पुली, आप याद, ये जो संजा है यहां संजा फुली हो गया है, ठीक है। वो संजा जो है किस नाम से जानने हैं अपन? संजा फुली, ठीक है। चलिए, ईरत, ईरत यहीं पे होता है। कंचाली भरना, मध्य प्रदेश से किस शहर में कंचाली भरना भीति जो है चित्रकला या भीति चित्रकला बनती है? तो उस कंचाली चित्रकला कहाँ रखोगे? अपने यहीं पर निमाड़ में, ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है विद्यार्थियों। माड़ना मालवा और निमाड़ अंचल दोनों में होती है, ठीक है। एक और बेटा इसमें लिखना, चित्रावन। ठीक है, चित्रावन, चित्रावन कहाँ बनती है? तो मालवा रीजन में इसको बनाया जाता है। चित्रावन चित्रकला के लिए जो है काफी पूछा जाता है। अब ऐसे आता है छठी चित्र, छठी चित्र कहाँ बनता है? शिशु का जब छठवा दिन आता है, ठीक है, तो इसमें ये बनाए जाते हैं। फेमस कहाँ पर है ये थोड़ा हटाना बेटा, ये छठी चित्र जो है यहां बनाना, बघेलखंड में फेमस है छठी चित्र। छठी चित्र बघेलखंड का
सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पर होगी? छठी चित्र बघेलखंड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, छठी जो है चित्र कहाँ बनता है? तो यहाँ खोपड़ी पूजन, खोपड़ी पूजन कहाँ पर? निमाड़ में। फिर पगलिया, पगलिया कहाँ बनता है? शिशु का जिस दिन जन्म होता है उस दिन हम जो है इसे बनाते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड मतलब देखो कौन सी पूछी है एग्जाम में, अब तक जो है पगलिया पूछी जाती है एग्जाम में, का ईरत पूछी गई है और जिरौती पूछी गई है। तो देखो बाकी तो आप तीन नाम याद कर लीजिए कि भाई तीन नाम जो है हमको याद रखने हैं एग्जाम में, तो ये तीन जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब आ जाओ बुंदेलखंड चलते हैं। देखो सुरौती, मूर्ते, सुरौती, मूर्ते, कोहबर चित्र, सुरौती, मूर्ते, कोहबर, फिर हमारा मामूलिया। अब याद रखो जो चीज संजा फूली, संजा में मनाई थी मालवा में, संजा फूली निमाड़ में, आज उसका नाम क्या हो गया बुंदेलखंड में जाते वक्त? मामूलिया। क्या रहोगे? मामूलिया कहाँ मनाई जाती है? तो बुंदेलखंड में। नोरता, और नोरता मतलब नवरात्रि पे, नौ रात्र में हम जवारे बोते हैं जमीन को साफ सुथरा करके, वहां पर जो है सातिया वगैरह जो बनाते हैं वो नोरता के अंतर्गत आता है। फिर गोवर्धन, गोदना, गोवर्धन होगी, गोरदा, गोवर्धन। अब गोदना मतलब जैसे जो टैटू होता है, ठीक है, टैटू मतलब आप लोग लिखवा नहीं लेते हो, तो वो सारी चीजें कहाँ बनती है? अपनी बुंदेलखंड में बनाई जाती है, ठीक है। चलिए तो सुरौती, मूर्ते, कोहबर, मामूलिया, नोरता, गोदना और गोवर्धन, ये छह नाम किसको अच्छे से याद हो गए, ठीक है। फिर रखोगे एक और बनता है दंगे हर, दंगे हर, इसी को हम अंगरोहन बोलते हैं, दंगे हर अंगरोहन, इसी को हम बारायण के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है? सभी बुंदेलखंड में। कहां रखोगे? बुंदेलखंड में, ठीक है। चलिए अब देखो कॉमन कॉमन यहां उतारे, मूर्ति को यहां क्या पढ़ेंगे बघेलखंड में? मोर मुरेला। क्या बोलोगे बुंदेलखंड में इसको? मोर मुरेला। कोहबर कॉमन हैगा बुंदेलखंड, कहीं कॉपी कर लो, कोहबर भी आ गया। ये नोरता हैगा नेवरा नमे, क्या पढ़ोगे इसे? नेवरा नमे। नवरात्रि पे बना रहे हैं अपन इसलिए इसे क्या बोलेंगे? नेवरा नमे के नाम से इसे जानते हैं। फिर सबसे की क्वेश्चन, छठी चित्र, शिशु के छठवे दिन पर, जैसे अपने यहाँ जो कहते हैं ना माता बच्चे को लेकर गोद भराते हैं उसको उतने पैसे में तोला जाता है, जो है बुआ रिश्तेदार गिफ्ट लाते हैं, वो छठी चित्र में आता है, ठीक है। छठी पूजा करते हैं अपन, छठी माता की इस दिन पूजा होती है। फिर तिरंगा चित्र, तिरंगा चित्र कहाँ मनाते हैं? बघेलखंड में। करोगे बघेलखंड में जो है तिरंगा की पूजा की जाए, तो किस किस विद्यार्थी को ये अच्छे से रट गए? अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, सिर्फ ये याद करना है, ठीक, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रियंका आया, ये बेटा अच्छे से एमपी रट गया, ये दो टॉपिक कराए मैंने, कौन सुना सकता है? सिर्फ देखो नाम देख रहे होंगे, निमाड़ में आठ नाम लिखे हैं, बघेलखंड में छह नाम लिखे हैं, ठीक है, और छह नाम बुंदेलखंड में लिखे हैं, ठीक है, तो 20 नाम हो गए। फिर देखोगे सब जो वहां पर ज्यादा है मालवा में 10 नाम माने हैं, तो 30 शब्द याद करने। अब मुझे सिर्फ 30 शब्द ऐसे याद करने हैं कि चार दिशाएं मेरी,
सन ने बुंदेलखंड में पढ़ा है, सुरोती, मोरते, नोरता, कोहबर, मामूलिया और अंगरोहण, छह नाम कहाँ के? बुंदेलखंड के। अब बघेलखंड के छह नाम कौन से? तो कॉमन नाम पकड़ो, कोहबर बुंदेलखंड से लेके आए, नेहरुआ नमाए बुंदेलखंड से लाए, मोरता वहाँ मुरेला हो गया, मूर्ति को क्या बोलने लगे बघेलखंड में? मोर मुरेला। फिर छठी चित्र तेलंगा, और हमारा एक और जो है हमारा छठी चित्र तेलंगा। क्लियर? तो दो शब्द हमने यहाँ पर तैयार किए। अब निर्माण में देखो, सबसे पहले कॉमन चीजें देखो जो मालवा से आई थी, तो मारना मालवा में भी है और निर्माण में, तो एक कॉमन हो गया। संजा पुली कहते हैं जो निमाड़ में, मालवा में संज्ञा, और बुंदेलखंड में उस चीज को क्या बोलते हैं? मामूलिया कहते हैं। क्या रहोगे? मामूलिया के नाम से जानते हैं। ईरत, कंचाली भन्ना, ये विभाव पे बनता है, पगलिया, ठीक है, और ईरत, ईरत जो है कहाँ पे बनने वाली चित्रकला है? निमाड़ में, विभाव में अपन इसे बनाते हैं। कंचाली भन्ना कहाँ पे बनती है? विभाव में। और पगलिया कब बनाते? शिशु के जन्म दिवस पर। कब रखोगे? शिशु के जन्म दिवस पर, ठीक है। तो कैसे? मांडना, जुरौती, थापा, थापा दशहरा पर, खोपड़ी पूजन दिवाली के 11वें दिन, एकादशी के दिन, ठीक है। संजा फुली जो है कुंवारी जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं होती, अच्छे पति के लिए, अच्छा एटीएम मिले उन्हें, अच्छा जीवन साथी मिले उन्हें, सुख सुविधाएं उन्हें मिल सके, तो उसके लिए पूजा किसकी करती है? संजा की। भाई निमाड़ की क्या लड़कियां किसकी करेंगे? संजा फूली की। और बुंदेलखंड की किस में करेंगे? मामूलिया की, जिससे उन्हें अच्छा वर मिले, अच्छा पैसे वाला मिले, ठीक है, बहुत सारे पैसे वाला, तो उसे अच्छा एडीएम भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अच्छी एडीएम की पूजा कब होगी? इन जगह पर की लड़कियां करती जो है। 16 सोमवार से भी अच्छा त्योहार माना जाता है, ये 16 दिन तक चलता है, ये साल में एक बार, ठीक है, लगातार जो है अच्छा एटीएम की तैयारी, तभी देखो बेटा सुंदर सुंदर एटीएम उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या चित्रकला पढ़ ली है तो उन्हें पता, अच्छा ये चित्रकला हम तैयार कर लेते हैं, इसको अच्छा पढ़ लेते हैं तो हमें अच्छा जीवन साथी तो मिलेगा ही, अच्छी धन दौलत वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ मालवा में, चित्रावन विवाह पर चित्रे जाति के लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लो दो बच्चों की शादी करा देते हैं, ठीक है, एक सपना हो गई, ठीक है, तो सपना ने शादी कर ली किसी व्यक्ति से, मान लो राम ले लेते एग्जाम्पल के, तो राम और सपना की शादी हो गई, तो इसमें क्या बनाएंगे? राम संग सपना, उसका डायग्राम बनाएंगे दोनों को, उस पर बैठा लेंगे पालकी में, ठीक है। तो दूल्हा आगे, मतलब तो राम जाएगा आगे, सपना पीछे पालकी में, तो इसके जो डायग्राम दीवार पे बनाए जाते हैं ना, वो किस पे बनाए जाते हैं? चित्रावन में। कौन बनाता है? चित्रे जाति के लोग बनाते हैं। सवनाही, सवनाही कब बनता है? हरियाली अमावस्या पे बनाते हैं। वर्षाती वार्ता, बेसिकली वर्षाती वार्ता गायन है, लेकिन ये कब गाया जाता है? शाम के समय जब बरसात का मौसम होता है तो बरसाती वार्ता गाया जाता है, ठीक है, बेसिकली गाना याद रखना। फिर जो है संजा चित्र है, संजा में क्या है? 16 दिन का उपवास रखना है। दिवासा जमीन पर भीति चित्र बनता है, तो दिवासा, भेरू जी, मोहज माता, माया माता, सर्वन, ये सब पांचों किसके हैं? भील समुदाय मनाता है जन्माष्टमी पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन फेमस कहाँ पर है? मालवा की। तो क्या कहते हो विद्यार्थियों, दोनों टॉपिक हो जाएंगे? ओ बालको, दोनों टॉपिक खत्म कर लोगे आज? थ्योरी रटना है आप किसी विद्यार्थी को? थ्योरी समझ में आ गई? चलिए, तो अब जो है इसके आगे की ना क्लास मैं 8 बजे लूंगा आपकी, 8 बजे जो है आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, एमपी की, और साइंस की क्लास 4:30 या 5, ठीक है, मैं आपको 1 घंटे पहले साइंस वाली में इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे तो लौट ही आऊंगा जल्दी, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा अगर जॉब से लेट लौटा तो 5 बजे लूंगा, मतलब छुट्टी नहीं रहेगी शाम वाली, 4:30 या 5 बजे तक मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, और लेट हो रहा होगा तो मैं आपको आधा 2 घंटे पहले ही मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है मेरे पटवारी वाले विद्यार्थी हो।
अगर बालक को मैं लेट आया, क्योंकि बेटा अभी क्या थोड़ा काम चल रहा है हमारा नक्शे का, तो लेट हुआ तो 10-5 मतलब वेट कर लेना, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, जब तक आप जो है प्रबंधन के आज नोट्स पढ़ोगे सभी, ठीक है। 1 घंटा अभी से अपना नोट डाउन कर लो कि मुझे प्रबंधन के नोट्स जो रूप सर ने डाले हैं वो रीड करने हैं, जिससे मैं 2 दिसंबर से प्रबंधन आपको समझाऊं तो मैं पढ़ा सकूं। ओके चलिए, तो मिलते हैं कितने बजे, शाम को, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट्स हो तो वो मुझसे आप